वेलकम गाइस, इलोवेट लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन पे क्या क्या इश्यूज आते हैं, इस एप्लीकेशन पे फिलहाल लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। प्लस ये एप्लीकेशन RBI के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं, सेफ है या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो अपडेटेड रिव्यू ही आप लोग मान सकते हो। इस वीडियो को गाइस लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बारे में मैं रियलिटी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक्चुअली ये एप्लीकेशन कैसा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 4.4 स्टार रेटिंग्स तो देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फेक रेटिंग्स है गाइस, और 4.4 स्टार ये एक्चुअल रेटिंग नहीं है। इस एप्लीकेशन पे यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखा हुआ है अबाउट अस एप्लीकेशन पे, यहाँ पे भी कुछ गलत चीज़ें लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि आप लोगों को ये लोग ऑनलाइन पर्सनल लोन देगा विदाउट इनकम प्रूफ। ठीक है, और यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि आप लोगों को 8,000 से 50,000 तक लोन मिलेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप लोगों को 8,000 से 20,000 तक ही लोन मिलेगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा। सो रिपेमेंट पीरियड इन लोगों ने यहाँ पे बताया है 91 डेज से 360 डेज, ये भी सही नहीं है। आप लोगों को शॉर्ट ही रिपेमेंट पीरियड मिलेगा, आप लोगों को इतना रिपेमेंट पीरियड नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट इन लोगों ने बताया है 14% से 28%, ये भी गलत है। आप लोगों को इंटरेस्ट रेट हाई पे करना पड़ेगा, मतलब 35% से अप टू 40% तक आपके इंटरेस्ट रेट जा सकता है, तो हाई इंटरेस्ट रेट आप लोगों को देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे आप लोगों को GST भी देना है 18%। ठीक है, तो आप लोगों को पहले ये तो ध्यान रखना है कि हाई इंटरेस्ट रेट है, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन मिलेंगे। ये एप्लीकेशन ये लोग बता रहे हैं कि NBFC के साथ रजिस्टर्ड भी है। चलो ठीक है, अगर आप लोगों को 7 डेज या 6 डेज का लोन देते हैं तो आप लोगों को रिपेमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं है। अभी इस एप्लीकेशन पे फिलहाल जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं गाइस, लोगों को पहला तो रिजेक्शन मिल रहा है। इन लोगों से KYC कर लेता है, डाटा कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद रिजेक्शन दे देता है, ऐसा ही करता है ये एप्लीकेशन। बहुत लोगों को ये एप्लीकेशन लोन तो दे देता है, लेकिन क्या करता है, रिपेमेंट पे फंसा देता है। लोग रिपेमेंट करना चाहते हैं, रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद क्या होता है, लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा देता है और फिर से रिपेमेंट के लिए बोलते हैं, तो लोग फंस जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये एप्लीकेशन क्या करते हैं, लोग जाके KYC कंप्लीट करते हैं, अप्लाई नहीं भी करते हैं तो जो मतलब ये ज़बरदस्ती लोन दे देते हैं और बाद में लोगों को हाई रिपेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत लोगों ने 1 स्टार रिव्यूज़ दिया है, आप लोग देख सकते हो। बहुत लोगों को इस एप्लीकेशन ने 7-8 डेज के लिए भी लोन दिया है, तो ये एक स्कैम एप्लीकेशन है गाइस। आप लोगों को छोटा अमाउंट का लोन देगा, स्मॉल अमाउंट का लोन देगा, हाई इंटरेस्ट रेट जैसे कि अप टू 40% से 50% तक आपको इंटरेस्ट रेट लगाएगा, उसके बाद आप लोगों से पैसा आप लोग नहीं दे पाओगे, फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा देंगे, फिर भी अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो इस एप्लीकेशन की जो भी कस्टमर केयर या तो आप लोग लोन रिकवरी एजेंट्स बोल सकते हो, वो लोग आप लोगों को कॉल करके मैसेज करके परेशान कर सकता है। यहाँ पे बहुत लोगों ने बताया है कि वेरी बैड एप्लीकेशन है, तो गाइस रिस्की एप्लीकेशन है। बहुत सारा इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इस एप्लीकेशन पे आते हैं, रिजेक्शन से लेके रिपेमेंट तक यहाँ पे बहुत सारा इश्यूज आता है। और ये एप्लीकेशन गाइस इन लोगों ने बताया है कि RBI के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन लेना चाहते हो तो पहले ही आप लोगों को इन लोगों से डिमांड करना है सर्टिफिकेट्स कि RBI के साथ रजिस्टर्ड हो, कैसे हम कैसे माने, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिमांड करना है। और अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन 6 डेज या तो 7 डेज का लोन देता है तो आप लोगों को रिपेमेंट भी नहीं करना है। और गाइस अगर आप लोग ये पूछना चाहते हो कि एप्लीकेशन सेफ है या नहीं, तो गाइस हम लोग नहीं बता सकते कि एप्लीकेशन सेफ है या नहीं, रिस्की एप्लीकेशन है। ठीक है, मुझे तो बस इतना ही बताना था। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट पे ज़रूर पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर करना। इलाहाबाद लोन एप्लीकेशन के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक एप्लीकेशन है, कॉमेंट पर ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।